नियाबली मेंस की परीक्षा में अच्छे क्रमांक से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को अलकापुरी आईआईटी आश्रम पर सम्मानित किया गया। वडोदरा शहर के अलकापुर इलाके में आईआईटी आश्रम मौजूद है, जहां के छात्र जेईई मेंस समेत के कई इम्तिहान देते हैं। तब जेईई मेंस के इम्तिहान में आईआईटी आश्रम के कई छात्र अच्छे क्रमांक से उत्तीर्ण हुए हैं। 2 छात्रों ने टॉप किया है और 30 जितने छात्र अच्छे परिणाम लेकर आए हैं। जनवरी में ये जो परिणाम घोषित हुआ था, उसी के चलते आईआईटी आश्रम के इन छात्रों का सम्मान समारोह आज आयोजित करवाया गया था। आपको बता दें कि वडोदरा के लिए ये गौरव की बात है कि 350 जितने छात्रों ने यहाँ से इम्तिहान दिए थे, जिसमें से 300 जितने छात्र 95 से भी ज़्यादा परसेंटाइल हासिल कर चुके हैं, जिसके चलते आज इन छात्रों का सम्मान समारोह आईआईटी आश्रम पर आयोजित करवाया गया था। आज जेईई मेन 2024 जनवरी सेशन 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आईआईटी आश्रम के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि हमारे स्टूडेंट्स ने, कार्तिक बसंत ने 99.999999% लेकर गुजरात में प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड रैंक लिया और बड़ौदा फर्स्ट रैंक लिया। हमारे 35 से ज़्यादा बच्चों ने 99% से ज़्यादा लेकर के आईटी आश्रम का नाम रोशन किया। 90% से ज़्यादा, हमारे 90% से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट आईटी आश्रम के 90% स्टूडेंट्स जेईई एडवांस का एग्ज़ाम लिखेंगे। तो इस पूरी सक्सेस के लिए मैं बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और आईटी आश्रम की टीम को कांग्रेचुलेट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बच्चे भविष्य में भी जेईई एडवांस में भी यही परफॉर्म करेंगे और कंट्री के मैप में बड़ौदा का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स का नाम रोशन करेंगे। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, आईटी आश्रम का 20 साल का टाइम पूरा हो चुका है। आईटी आश्रम ने सक्सेसफुली 20 साल कंप्लीट किए और हम 20 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे साल के लिए, और उसी में हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का क्षण है कि हमारे बच्चों ने बेस्ट परफॉर्म किया 20वें साल में। वैसे तो हर साल ही हमारा रिजल्ट बेस्ट होता है, लेकिन हमारी खुशी में और इजाफा हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड फैकल्टी टीम। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।